हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो के अंदर आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 11 के बीच कैमरा कंपैरिजन करने वाले हैं। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अगर आज का दिन में इसमें से कोई भी डिवाइस को सेकंड हैंड या रिफर्बिश्ड कंडीशंस में खरीदने के लिए जाएंगे तो आईफोन 13 का प्राइस आपको अंडर 40,000 में मिल जाएगा। एंड वही अगर हम बात करें आईफोन 11 के बारे में तो ये भी आपको अंडर 25,000 में मिल जाता है। तो गाइस, अगर देखा जाए तो प्राइस का बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन गाइस उसके हिसाब से मतलब किस फ़ोन का कैमरा क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन है कम्पेयर टू बजट सेगमेंट, तो आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों को क्लियरली पता चल जाएगा। क्योंकि गाइस, इस दोनों ही डिवाइस के कैमरे से हम हर लाइटिंग कंडीशंस में फोटोज एंड वीडियो शूट किए हैं, एकदम बारीकी से कंपैरिजन किए हैं। तो इसके लिए प्लीज इस वीडियो को एकदम अच्छी तरीके से देखते रहिए एंड तक, तो ही आप लोगों को पता चलेगा, ठीक है। और गाइस, आज का दिन इतना ज्यादा धूप पड़ रहा है कि मैं क्या ही बताऊं। सो ट्रस्ट मी गाइस, तो मेरा हालत भी बहुत ही ज्यादा खराब हो चुका है और मैं जिस फोन से अभी वीडियो शूट कर रहा हूं गाइस, क्या ही बताऊं, टेम्परेचर इतना हाई हुआ है कि वीडियो मतलब क्रॉप होकर रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो क्या करें गाइस, इस वीडियो को हम बना रहे हैं लगभग 2-3 दिन से मेहनत करके ऐसे ही गर्मी के अंदर में। तो इसके लिए मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को एक लाइक करके हमारे साथ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए, ओके। तो गाइस, हम देर किस बात की कर रहे हैं, तो चलिए इस वीडियो को क्विकली स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, हम सबसे पहले इस दोनों ही फ़ोन का रियर कैमरे से एक नॉर्मल शॉट्स लेके देखते हैं कि एक्चुअली पिक्चर क्वालिटी कौन सा फ़ोन ज़्यादा बेहतरीन देता है। तो हम इस जगह का एक फ़ोटो ले लेते हैं जहाँ पे बहुत सारा आम देखने को मिलता है, ठीक है। तो चलिए, हम इस बार इस दोनों ही फ़ोन का रियर कैमरे से पोर्ट्रेट मोड से फोटो सिंपल्स देखते हैं कि एक्चुअली किस फ़ोन का फोटो क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन है। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि मेरा पीछे एक पैड है, तो हम इसी का एक पोर्ट्रेट सिंपल्स ले लेते हैं। तो इस बार हम शूट करने वाले हैं इस दोनों ही फोन का रियर कैमरे से वीडियो सिंपल्स। सो एक्चुअली देखते हैं कि इसमें से कौन सा फोन का वीडियो क्वालिटी ज्यादा बेहतरीन है। भले ही दोनों ही फोन सेम फीचर्स को सपोर्ट करता है, सो फिर भी गाइस हम क्वालिटी चेक कर लेते हैं। गाइस, अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं आईफोन 13 वर्सेस आईफोन 11 का रियर कैमरे से। एंड गाइस, अभी वीडियो शूट हो रहा है 1080p 30fps पे। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दोनों ही डिवाइस का रियर कैमरे से सेम फीचर्स में वीडियो शूट कर सकते हैं, जैसे कि 4K 30fps, 4K 240fps, 1080p 60fps एंड 1080p 30fps पे। और गाइस, अभी बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रहा है, सो उसके हिसाब से आप लोग डायनेमिक रेंज का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को चेक करके दिखाता हूँ। तो अभी सनसाइट का टाइम है, जैसे कि गाइस आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन बहुत ही फास्ट है। और इस दोनों ही फ़ोन का रियर कैमरे में आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो चलिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा दौड़ के चेक करके दिखाता हूँ। तो गाइस, अभी मैं दौड़ रहा हूँ एकदम बुरी तरीके से, सो उसके हिसाब से आप लोग स्टेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी गाइस, मैं एक हाईवे के ऊपर हूँ और गाड़ी भी बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। तो चलिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा ऑटो फोकस भी कैप्चर करके दिखाता हूँ। तो गाइस, आप देख सकते हैं कि दोनों ही फ़ोन बहुत ही फास्ट है फोकस को कैप्चर करने में, इसमें कोई इशूज़ नहीं है। तो चलिए, हम थोड़ा सा जूमिंग क्वालिटी भी चेक करके देख लेते हैं कि कौन सा फ़ोन का ज़्यादा बेहतरीन है। तो गाइस, अभी मैं जूम कर रहा हूँ आईफोन 11 पे और इसमें आप 3x तक जूमिंग कर सकते हैं। और अभी मैं कर रहा हूँ आईफोन 13 में, तो इसमें भी आप 3x तक जूमिंग कर सकते हैं। तो गाइस, जूमिंग क्वालिटी दोनों ही फ़ोन का सेम ही है, इसमें कोई डिफरेंस देखने को नहीं मिल रहा है। तो जूमिंग क्वालिटी दोनों ही फ़ोन का सेम ही है, तो गाइस आप देख सकते हैं।
सो अभी वीडियो शूट हो रहा है इस दोनों फोन का अल्ट्रा वाइड कैमरे से, एंड गाइस वीडियो शूट हो रहा है 1080p 30fps पे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दोनों ही डिवाइस का अल्ट्रा वाइड पे सेम फीचर्स में वीडियो शूट कर सकते हैं, जैसे कि 4K 30fps, 4K 240fps, 1080p 60fps एंड 1080p 30fps पे। और गाइस आप अगर ब्लॉगिंग पर्पस के लिए इसमें से कोई भी डिवाइस को लेना चाहते हैं तो कौन सा फ़ोन का अल्ट्रा वाइड वीडियो क्वालिटी ज़्यादा बेहतरीन है, सो उसके हिसाब से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि गाइस अभी सनसेट का टाइम है, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा घूम के दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को अंदाजा लग जाए एकदम अच्छी तरीके से। और साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है इस दोनों ही फ़ोन का माइक्रोफोन से ही, ठीक है। और इस दोनों ही फ़ोन का अल्ट्रा वाइड पे भी आपको स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दौड़ के चेक करके दिखाता हूँ। भाई मैं अभी दौड़ रहा हूँ एकदम बुरी तरीके से, ठीक है। तो उसके हिसाब से आप लोग कौन सा फ़ोन का स्टेबिलिटी ज़्यादा बेहतरीन है लगा सकते हैं। मैं एक हाईवे के ऊपर हूँ, मतलब वीडियो शूट करते वक्त भी बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है, सो ट्रस्ट मी गाइस। तो हम इस बार लेने वाले हैं इस दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरे से नॉर्मल फ़ोटोज़, तो चलिए हम वो भी चेक कर लेते हैं कि किस क्वालिटी में फ़ोटोज़ देखने को मिलता है। गाइस अभी हम वीडियो शूट कर रहे हैं इस दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरे से, एंड गाइस अभी वीडियो शूट हो रहा है 1080p 30fps पे। तो गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि इस दोनों ही डिवाइस का फ्रंट कैमरे से सेम फीचर्स में वीडियो शूट कर सकते हैं, जैसे कि 4K 30fps, 4K 240fps, 1080p 60fps एंड 1080p 30fps पे। और गाइस अभी साउंड रिकॉर्डिंग हो रहा है इस दोनों ही फ़ोन का माइक्रोफोन से, और आज का दिन गाइस बहुत ही ज़्यादा धूप पड़ रहा है, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा धूप में भी जाके चेक करके दिखाता हूँ ताकि डायनेमिक रेंज का भी अंदाजा लग जाए। सो एक्चुअली गाइस मेरा फेस के ऊपर बहुत ज़्यादा धूप पड़ रहा है, सो उसके हिसाब से आप लोग कलर टोन्स का भी अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को घूम के दिखाता हूँ ताकि डायनेमिक रेंज का भी अंदाजा लग जाए अच्छी तरीके से, जैसे कि देख सकते हैं कि कौन सा फ़ोन अच्छी तरीके से डायनेमिक रेंज को कैप्चर कर पाता है, ठीक है। तो एक्चुअली गाइस क्या ही बोलूँ, इतना ज़्यादा गर्मी लग रहा है, सो प्लीज़ गाइस इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक करके हमारा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइस एक वीडियो को बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा पसीना निकल चुका है। एंड इस दोनों ही फ़ोन का फ्रंट कैमरे से स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, तो चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा सा दौड़ के चेक करके दिखाता हूँ। जैसे कि गाइस अभी मैं दौड़ रहा हूँ एकदम बुरी तरीके से, सो उसके हिसाब से स्टेबिलिटी का अंदाजा लगा सकते हैं।